गाइस वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रायन। आज की वीडियो में एकदम मस्त वाली चीज अपन अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाले हैं। ये दोस्तों रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कलरफुल लिजर्ड, ये एकदम नई नवेली है, मैंने इसको कल ही खरीदा है। तो आज अपन इसकी फाइट कराने वाले हैं आरसी चैमिलियन के साथ और आरसी लिजर्ड के साथ। ड्रैगन वाली लिजर्ड है, आज एकदम मजा आने वाला है दोस्तों तीनों के बीच में फाइट कराने पर। चलो दोस्तों फटाफट से पहले तीनों को अनबॉक्स करते हैं, फिर कराते हैं तीनों के बीच में फाइट। दोस्तों आपकी भाषा में लिजर्ड को क्या बोलते हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। हमारे यहाँ तो गाइज इसको छिपकली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं नीचे कमेंट करो फटाफट से। अभी कभी इसको मैंने खरीदा था 2000 रुपीज में, जैसे कि यहाँ पे इसका प्राइस भी आप देख सकते हो। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर तुम लोगों को व्यू प्रोडक्ट बोलकर ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अमेजोन का बाय लिंक दे रखा है, वहां से भी जाकर आप चाहे तो इस आरसी लिजर्ड को खरीद सकते हो। ये जो लिजर्ड आ जाती है एक्सप्लोरेशन जंगल की तरफ से। चलो गाइस फटाफट से बिना कोई देर किए इसको ओपन कर लेते हैं, बाकी चीजों को भी ओपन करेंगे, फिर बाहर जाकर इन तीनों के बीच में आज फाइट कराएंगे। देखते हैं दोस्तों आज ये अपनी नई नवेली लिजर्ड जो है आरसी चैमिलियन आरसी ड्रैगन लिजर्ड को हरा पाती है या नहीं। फटाफट से मैंने इसको निकाल लिया है, यहां से भी इसको निकाल लेते हैं। ओ भाई काफी ज्यादा सॉफ्ट टच है यार, ये जो लिजर्ड है पूरी की पूरी रबर की बनी हुई है, ये देखो यार। ओह माय गॉड, छूने पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं कोई रियल चीज को पकड़ लिया हूं। यहां पर देखो यार ये है इसके व्हील्स जैसे पैर, बॉक्स के ऊपर तो लिखा था कि ये रियल लिजर्ड जैसी दौड़ सकती है। देखते हैं यार इसको चला के थोड़ी देर में, अगर ये दीवार पर भी चढ़ जाती ना गाइस तो मजा आएगा। देखते हैं ये दीवार पर भी चढ़ पाती है नहीं। सामने के लेग्स देखो यार और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, पूरे के पूरे रबर के बने हुए। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, इसका बैटरी कंपार्टमेंट जो है अपने को ऊपर की तरफ दिया हुआ है। यहाँ पर अपने को 2 AA बैटरीज डालनी पड़ती है, बैटरीज इसके अंदर ऑलरेडी आ जाती है। सामने यहाँ पर इसके आईज है, आईज के अंदर भी शायद लाइट्स वगैरह दी गई होगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर की लाइट ऐसा मेरे को लग रहा है। ऊपर आईआर सेंसर अपने को मिल जाता है, नीचे और कुछ है नहीं गाइस। ये जो सामने वाला पार्ट है पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक से बनाया गया है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी मेरे को काफी ज्यादा तगड़ी लगी। फिलहाल इसको रख देते हैं साइड में, यहां से निकाल लेते हैं गाइस इसका रिमोट कंट्रोलर। ओ भाई बिल्कुल एक चूहे जैसा डिजाइन बनाया गया है, यहाँ पे आईआर सेंसर दिया हुआ है, यहां पर इसके आईज है। अपने लिजर्ड को सामने मूव कराने के लिए बटन है, लेफ्ट राइट मूव कराने के लिए और 2 बटन अपने को मिल जाते हैं, और दोनों को भी फटाफट से अनबॉक्स करेंगे फिर चलते हैं बाहर। अभी बॉक्स के अंदर से निकाल लेते हैं अपने आरसी चैमिलियन को। अगर आप इसको भी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर तुम लोगों को व्यू प्रोडक्ट बोलकर एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक मिल जाएगा। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, काफी ज्यादा यूनिक रिमोट कंट्रोलर मिल जाता है इसके साथ। अपने को यहां पे देख सकते हो सारे के सारे जो है गाइस इसके अंदर बटन ही दिए हुए हैं, तो निकाल लेते हैं गाइस इसको भी फटाफट से बाहर, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं अपने को। यहाँ पर ये देखो यार ये भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई देता है और ये अपना कलर भी चेंज कर सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ इसके अंदर बहुत सारे LED लाइट्स वगैरह दिए गए हैं। इसकी ये जो टंग है ना पूरी तरीके से बाहर इतनी बड़ी हो जाती है। रख देते हैं साइड में, अभी ओपन करते हैं अपने ड्रैगन लिजर्ड को। ओके इसको यहां से मैं ओपन कर देता हूं। दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी भी जरूर से दबा देना। इसको ड्रैगन लिजर्ड इसीलिए बोलते हैं गाइस, यहां पे देख सकते हो ड्रैगन जैसा इसको यहां पर ये चीज दी होती है। इसको अपन पूरी तरीके से रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसको चाहे तो यहां पर इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। फिलहाल इसको भी मैं रख देता हूं साइड में, इसका रिमोट कंट्रोलर दिखा देता हूं गाइस फटाफट से, फिर चलेंगे अपन बाहर। यहां पे देख सकते हो ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, काफी ज्यादा यूनिक रिमोट है। यहां पर 2 बटन मिलते हैं, यहां पर 2 बटन मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ 2 IR सेंसर्स मिल जाते हैं। ऑलराइट गाइस तीनों को देखो मैंने साइड बाय साइड रख दिया। यहां पर अपना जो ड्रैगन लिजर्ड है और अपनी नॉर्मल वाली जो लिजर्ड है इनका साइज बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है, पर अपना जो चैमिलियन है इसका साइज थोड़ा सा छोटा है। पर ये देखो यार इस कितना ज्यादा तगड़ा और मोटा है ये वाला चैमिलियन। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो गाइस इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये वाली लिजर्ड, जैसे कि देख सकते हो इसका सामने का सर भी इस तरह से मूव होता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी खास है नहीं गाइस और ये ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है नहीं। तो रिमोट मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देख सकते हो रिमोट जो है यार मेरे को सच बताऊं तो चैमिलियन का रिमोट बहुत ही ज्यादा यूनिक दिखाई देता है। चलो गाइस फटाफट से चलते हैं बाहर, कराते हैं तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं दोस्तों आज कौन सा आरसी एनिमल जीतेगा। लेट्स गो दोस्तों।
ओके दोस्तों, सबसे पहले अपन यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं अपनी एकदम नई नवेली आरसी लिजर्ड को। ये क्या ही अजीब तरीके से चल रही है यार, रिमोट प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इसको मैं फॉरवर्ड करा रहा हूँ तो फॉरवर्ड जा रही है, लेफ्ट को लेके जा रहा हूँ तो लेफ्ट को जा रही है, पर ये जो लिजर्ड है कहीं से भी रियलिस्टिक जैसी दिख नहीं रही यार, क्योंकि इसकी जो मोटर है पीछे की लेग्स में दिए हुए, देखो यार इसके दोनों लेग जो है एक साथ रोटेट हो रहे हैं। अगर लेग्स जो है स्टेप बाय स्टेप चलते तो यार तब जाकर ये रियल लिजर्ड के जैसी दिखाई देती थी। ओके गाइस, अभी अपन टेस्ट करने वाले हैं ड्रैगन लिजर्ड को। इसको चलाने में यार थोड़ा सा मजा आ रहा है क्योंकि इसकी कंट्रोलिंग काफी अच्छी दी गई है, बैक भी हो रही है, लेफ्ट को भी जा रही है, राइट को भी जा रही है, और इसके ये जो गिल्स है ना यार काफी ज्यादा भयंकर दिखाई देते हैं। जैसे कि देख सकते हो, मैं जस्ट एक बटन दबा रहा हूं, इसके गिल्स जो है ओपन और क्लोज हो रहे हैं। अभी एक बार मैं आपको करीब से दिखा रहा हूं, देखो यार कितनी ज्यादा डेंजरस दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये मेरे को काटने को दौड़ रही है। अभी अपन टेस्ट करने वाले हैं आरसी चमेलियन को। ये चमेलियन को चलाने में बड़ा मजा आता है गाइस, इसके सामने तो यार आरसी कार भी फेल हो जाए, उतना जबरदस्त तरीके से चल सकता है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो 360 डिग्री तो भाई एकदम जबरदस्त तरीके से घूम सकता है। जब ये चलता है ना गाइस, इसकी आंखें देखो किस तरह से रोटेट हो रही है और देखने में काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई देता है। और यार इसकी टंग तो मैं क्या ही बताऊं, इतनी लंबी टंग दे रखी है, इसके सामने कोई भी चीज आ जाए ये एकदम लपक के उसको खा जाता है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दोनों लिजर्ड्स के बीच में अपन टग ऑफ वॉर कराने वाले हैं, देखते हैं कौन सी लिजर्ड यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोनों लिजर्ड एक दूसरे को कैचने की कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई, अपनी ग्रीन वाली लिजर्ड देखकर पूरा दम लगा दिए भाई, फिर भी ये इसको खींच नहीं पा रही। दोनों के बीच में पावर के मामले में यहाँ पे टाई हो चुका है। ओके दोस्तों, अभी इन दोनों के बीच में अपन टग ऑफ वॉर कराने वाले हैं, देखते हैं गाइस यहाँ पे चमेलियन जीतता है या फिर अपनी एकदम नई नवेली वाली लिजर्ड। ओ तेरी, यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि चमेलियन जीतने वाला है। चमेलियन के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल है यार लिजर्ड के मुकाबले में। लिजर्ड भी थोड़ा थोड़ा सा इसको खींच रही थी, पर भाई बहुत ही आसानी से चमेलियन ने भाई लिजर्ड को हरा के रख दिया है। अभी इस लिजर्ड का अपन पुल टेस्ट करा के देखने वाले हैं। पीछे एक कार मैंने बांध दी है, यार ये जो लिजर्ड है पूरी कोशिश कर रही है इस कार को खींचने के लिए, पर देख सकते हो यार ये थोड़ा सा आगे जा रही है, वापस वेट ज्यादा होने के कारण पीछे भी आ रही है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे फेल हो चुकी है। सेम टेस्ट करते हैं अपनी ड्रैगन लिजर्ड के साथ। ड्रैगन लिजर्ड तो भाई काफी आसानी से खींच रही है, पीछे जो कार अपन ने बांधी थी अभी थोड़ा सा आगे जाकर देखो यार ये पूरी तरीके से रुक चुकी है, ये भी यहाँ पे पूरी तरीके से फेल हो चुकी है वेट खींचने के मामले में। अभी देखो यार चमेलियन के साथ अपन सेम टेस्ट करने वाले हैं। ओ भाई, चमेलियन सच में गाइस दोनों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, काफी आसानी से इतनी ज्यादा भारी भरकम वेट वाली कार को भी देखो यार चमेलियन घसीट के लेके जा रहा है। वेट खींचने के मामले में वापस से चमेलियन यहां पे जीत चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन करने वाले हैं लाइट टेस्ट, देखेंगे यार किसकी लाइट्स एकदम तगड़ी वाली दी गई है। अभी अपनी रूम की लाइट्स अपन बंद कर देते हैं। चमेलियन के अंदर देखो यार ऊपर की तरफ काफी मस्त वाली एलईडी लाइट्स दी जाती है, ड्रैगन लिजर्ड के अंदर तो भाई रेड कलर की लाइट है, बहुत ही ज्यादा भयंकर दिखाई देती है जब अपन इसको नाइट में देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी जो ग्रीन लिजर्ड है इसकी आंखें देखो यार क्या ही ब्यूटीफुल है, और इसकी जो लाइट है बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई दे रही है और ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक भी दिख रही है। तो यार नो डाउट यहाँ पे देख सकते हो तीनों की लाइट्स में मेरे को पहले जो है चमेलियन की लाइट्स अच्छी लगी, दूसरी जो है अपनी ग्रीन लिजर्ड की लाइट्स अच्छी लगी। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों के बीच में टाई हो चुका है। पर इस लिजर्ड के साथ जो है ना मैं चमेलियन की रेस लगाने वाला था, पर लिजर्ड के अंदर एक दिक्कत आ चुकी है। देखो यार जब मैं इसको फॉरवर्ड करा रहा हूं तो ये थोड़ा फॉरवर्ड जा रही है पर अपने आप ही रिवर्स जा रही है और अपने आप ही काम करने लग रही है यार रेस के लिए, ये जो लिजर्ड है बिल्कुल बेकार है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये एकदम नई नवेली वाली कलरफुल लिजर्ड पसंद है या फिर अपना एकदम भारी भरकम वाला चमेलियन पसंद है या फिर अपनी ड्रैगन लिजर्ड पसंद है। नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी का भी। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है साई हर्षिल, सम्राट अलापन, जायद आलम, भाविक, सनिध्या साहू, गौतम, रंजोत सिंह, विश्वजीत, पंकज। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।